नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए जिन्होंने अब तक सेशन को शेयर ना किया। जी सभी दोस्त एक बार आ जाइए यहां पर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एसएससी अडा 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो पहले तो आप सभी साथियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, खिचड़ी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज आप लोग खिचड़ी बना के जरूर खाइएगा और कुछ खाइएगा नहीं खाइएगा, लेकिन खिचड़ी बनाकर अगर नहीं खाया तो फिर समझ लो फिर पूरे साल खिचड़ी ही खाओगे। इसलिए आज खिचड़ी बना के खा लेना। जैसे वो कहते हैं ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन कहते हैं हम लोग, जो पहले दिन कर लिया वो पूरे साल करेंगे। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पहले दिन आपने पढ़ाई कर ली तो पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, इसलिए तुम लोग पहले दिन नहीं पढ़ते हो ना। चलिए, तो इसलिए आज खिचड़ी बना खा लेना, नहीं तो फिर पतला पूरे साल खाली खिचड़ी खिचड़ी खाने को मिलती रहेगी, समझ रहे हो ना। इसलिए आराम से एंजॉय करना भैया दिन में का खाना जो है। हाँ, खिचड़ी बना के खा लेना, ठीक है। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, खुश रहो शिवजीत, खुश रहो कीर्ति बेटा। हाँ, अच्छा तुमने कल ही बना ली बेटा, तो कोई बात नहीं, आज दोबारा बना लेना। दही चूड़ा तो खाना ही है। हाँ, दही चूड़ा भी खा लेना, नहीं तो साल भर दही चूड़ा ही। आज जो जो चीजें होती हैं उसको जरूर कर लेना, नहीं तो पूरे साल भर वही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ओके, तो स्टार्ट करा जाए आज के सेशन को। तैयार हैं आप लोग। अक्की गुड मॉर्निंग, नेहा, सिविराज, निधि, माही, रेनु, अनु, सभी लोग आ जाइए, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। यस बेटा, यस यस यस। चलिए, अच्छा अगर हम लोग यहां पर बात करने की कोशिश करें, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, मैं आज मनाऊंगा बेटा, अभी मनाया नहीं है, ठीक है। तो सरस्वती माता का आशीर्वाद लो बेटा, क्योंकि इनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी होना संभव नहीं है आपकी लाइफ। चलिए शुरू करते हैं। आज भी मैं आपका सीजीएल का ही सेट लेकर आया हूं बेटा। देखें आप लोग सीजीएल के लिए कितना तैयार, आप लोग सीजीएल के लिए कितना तैयार हो आज यहाँ से पता चल जाएगा। आप लोग सीजीएल के लिए कितना प्रिपेयर हो रहे हो आज यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए चलो जल्दी जल्दी बताइएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर दिया है मैंने, ट्राई करिए बताइए इसका क्या आंसर आएगा। चलिए निकालिए और बताइए। जल्दी जल्दी निकालिए और बताइए। डी लग रहा है पक्का बेटा, सोच लो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ओके चलो देख लेते हैं भाई साहब, ये डी आंसर लग रहा है आप लोग को। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। एक सेकंड ना मुझे दे दो। चलिए अब आ जाइए यहां पर, देखिए ध्यान से। यहां पर एक लाइन,
यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर दो लाइन, यहाँ पर तीन लाइन, यहाँ चार लाइन, यहाँ पांच लाइन। पांच लाइन यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ पांच लाइन है, यहाँ भी नहीं है। अब ये भी क्लियर है कि इसमें इसमें स्टार आ रहा है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर लेटर कौन सा आएगा, प्रॉब्लम वहां पर है, बस उसको समझ लो, बात खत्म। हाँ, अब यहाँ पर देखो तो पी है यहाँ पर, आर है यहाँ पर, पी से आर यहाँ हो गया आर। अब एस गायब है, देखो पी हो गया, आर हो गया, एस गायब है, टी आ गया, टी के बाद यू गायब है, वी आ गया, वी के बाद डब्ल्यू गायब होगा, एक्स आ जाएगा। तो एक्स मतलब ये है, ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। तो आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलो चल आज अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर ये रहा, निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर। पहले यहां पे यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, एक सेकंड देना, इसको हटाइए। अब चलो, अब ठीक है, बताओ मेरे शेरो, अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, निकाल करके बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर बनेगा। मेरे चीतों, मेरे मित्रों, सभी लोग निकालो और बताओ इस प्रश्न का क्या उत्तर बनने वाला है। यस, इस प्रश्न का क्या उत्तर बनने वाला है, इस प्रश्न का क्या उत्तर बनेगा, निकाल करके बताइए सभी दोस्त। यस, देखो 54 लाना है आपको। यस, अनुराधा कह रही है सी, 36 लगा दीजिए। हाँ बेटा आशुतोष त्रिपाठी, बेटा आप रात 10 बजे वाली क्लास में जुड़ना शुरू करो, वहां 30 से ज्यादा क्वेश्चन मैं डेली करा रहा हूँ 40-45 मिनट में। सी आंसर आएगा, श्योर है, पक्का, ओके। मेजॉरिटी कह रही सर सी आंसर लगा दीजिए, सी। 3 चौके 12, फिर 12 3 36, ऐसा चल रहा है हिसाब किताब। आप लोग आंसर यही कर रहे हैं कि सर 3 × 4 कर दो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और जो आए उसमें 3 का गुणा कर दीजिए पहले वाले नंबर का, तो 36 आ जाएगा ऐसा। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो 6 3 3 × 6 बराबर कितना हो गया, 18, फिर 18 × 18 3 54 आ जाएगा। यहाँ देख लो, 4 × 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 4 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8, फिर 8 3 24 हो गया। बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक बनाया है, तो 12 3 कितना हो जाएगा मेरे शेरों, ऑप्शन नंबर सी 36 परफेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर ये रहा, आप लोग को बताना है खूनी रिश्ता, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रॉकी ने कहा है, जल्दी से निकाल करके बताओ मेरे शेरों, रॉकी ने क्या कह दिया है। हाँ, रॉकी की बात सुनो और जल्दी से बता दो कि क्या परफेक्ट आंसर बनेगा। रॉकी की बात सुन लो और जल्दी से निकाल करके बताओ कि क्या होगा इसका आंसर परफेक्ट। जल्दी जल्दी निकालो और बताओ, तो सभी दोस्त जल्दी जल्दी निकाल करके बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर बनेगा, फटाफट निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा। वैसे भी हाँ बेटा अमन मीना वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बताइएगा, सी सन 90। हाँ बेटा देखो सीजीएल में ना आपकी जो एज होती है वो 18 साल से कुछ पोस्ट के लिए, 27 साल कुछ के लिए, 30 साल और केवल जेएसओ की पोस्ट के लिए 32 साल है, समझ गया, बाकी 30 साल तक भी है कुछ पोस्ट के लिए। चलो, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रॉकी ने कहा, कोई आदमी है उसकी तरफ इशारा करते हुए कौन कह रहा है, रॉकी कह रहा है। हाँ रॉकी भाई ना, रॉकी कह रहा है, क्या कह रहा है, रॉकी एक आदमी है, ये भी समझ लो कि आदमी है रॉकी। वह मेरी बहू की बेटी का पिता है, वह मेरी बहू की बेटी, रॉकी ने कहा उस एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कि वह जो है
वह मेरी बहू की बेटी, वह मेरी बहू की बेटी का पिता है। इसका मतलब रॉकी का बेटा हो गया, मेरी बहू की बेटी का पिता मतलब मेरा बेटा हो गया, यही हुआ ना, मेरा बेटा हो गया, सिंपल। तो रॉकी उस आदमी से, तो रॉकी उस आदमी के क्या हो जाएंगे, तो रॉकी उस आदमी के पिताजी हो जाएंगे। रॉकी उस आदमी के क्या हो जाएंगे, पप्पा, हाँ जी, पिताजी हो जाएंगे। क्लियर है? यस। चल, रिपीटेड लेटर सीरीज है, जल्दी से निकालिए और बताइए। बेटा लॉजिक आप कोई भी लगाओ, आपका आंसर सेम ही आएगा। देखो इस बात के लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो कि आंसर थोड़ी ना गलत आता है कभी। यस, आंसर तो सेम आएगा, नहीं तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा मामला ही सारा का सारा। तो जल्दी जल्दी निकालो और बताओ। अगला क्वेश्चन बी। अब इसको कैसे करते हैं आपको पता ही है, पेयरिंग करते हैं काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16, 16 का मतलब है 4 4 के 4 पेयर, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ध्यान से देखो, पहला अक्षर पी यहां भी है, यहां भी है, तो पी अक्षर यहां भी है, पी यहां भी, और आर से खत्म हो रहा है, तो आर यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां। अब पी टी एम आर, पी टी एम आर, पी टी एम आर, तो आप लोग का आंसर पी आर एम पी टी, पी आर एम पी टी, इसमें लास्ट में टी एम, तो बी आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, आंसर बी वाले सारे मित्र हमारे सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलो अगला है पेपर कटिंग का क्वेश्चन, जल्दी से निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा। जल्दी जल्दी निकालेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा। थोड़ा ध्यान से देखना, हाँ थोड़ा ध्यान से देखना, मिस्टेक हो सकती है। अब देखो पेज को ऊपर से नीचे मोड़ा गया, इधर से इधर मोड़ा गया, और ये है। अब इसको जब ओपन करोगे, पहले लेफ्ट से राइट आएगा और फिर ऊपर, तो मतलब देखो जो ये एरो ऐसे बना है वी वाला, यहाँ तो यहाँ ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसा ऊपर। अब ध्यान से देखते हैं, देखो इसमें ये नहीं बना, काट, इसमें ये स्टार वैसा ही बना रहा नीचे की तरफ, ये भी काट। देखो इसमें दोनों चोंच ऊपर है वी की, इसमें भी। अब इन दोनों में से देख लो कौन सा वाला बनेगा। अब देखो ये जो गोल है ये इस तरफ बनेगा ना, तो देखो इसमें इसमें तो बन रहा है, लेकिन इस वाले में ये गोल गड़बड़ है, तो आप लोग का आंसर क्या आ जाएगा मेरे चीतों? ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है मेरे से। चलो सिलॉक्स निकालिए और बताइए। चलो यहां पर आ जाओ, देखते हैं। बोला है सम टीचर आर साइंटिस्ट, ऑल साइंटिस्ट आर डॉक्टर, और ऑल डॉक्टर आर इंजीनियर। पहला है सम डॉक्टर आर टीचर, कुछ डॉक्टर टीचर है, देखो साफ साफ दिख रहा है, कुछ डॉक्टर टीचर है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, कुछ इंजीनियर टीचर है, कुछ इंजीनियर टीचर है, ये भी साफ साफ दिख रहा है, और कुछ डॉक्टर साइंटिस्ट है, कुछ डॉक्टर साइंटिस्ट है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो आपका आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा मेरे सिरों, सारे के सारे सही हैं, सारे के सारे क्या हो रहे हैं, परफेक्ट हो रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, ऑल फॉलो हो रहा है। चलो इसको निकालो और बताओ इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी से सारे लोग सीरीज।
यस हाँ बेटा। अरे नहीं, ठंड इतनी ज्यादा हो रही है कि चाय मंगानी पड़ रही है, हाथ चल ही नहीं रहा मेरा। हाँ चलो, अच्छा देखो आ जाओ, चलो यहां देखिएगा, बी आंसर पक्का, आ जाओ। स्क्वायर यहां था ठीक है, उसके बाद यहां आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। और आपको अगर कोई चीज यहां से यहां, यहां से यहां, तो इसको हम बोलते हैं आधा चल रहा है। अगर यहां से इस कोने आ जाता तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक चल रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं आधा चल रहा है, इसको बोलते हैं एक चल रहा है। अब बस हमें ये देखना होता है कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, बस हमें ये और देखना होता है, समझ गए? ठीक है, तो ये वाली चीज हमें देखनी होती है। तो चलो ध्यान से देखो, स्क्वायर यहां 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 यहां, तो अब स्क्वायर कहां आएगा अगले में, इस जगह आएगा, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें आ रहा है, इसमें भी नहीं, मतलब इन दोनों में से कोई आंसर बनेगा। एस मत चेक करो क्योंकि एस कॉमन है। ट्रायंगल देख लो, ट्रायंगल यहां था, ऊपर गया, यहां गया, यहां गया, तो अब ट्रायंगल कहां आएगा, बीच में। ट्रायंगल बीच में आने का मतलब है बी आ जाएगा, ये गलत है। क्लियर है मेरे से रो, बी आंसर। हाँ चाहे चाहे ना, चल अच्छा अगला। नहीं भैया है, उनकी बिटिया है छोटी, मतलब मेरी नीस, वो क्या करती है, चाहे अगर हमारे सामने आ गई तो वो यही चिल्लाना शुरू कर देती, हाँ ऊपर नीचे, तो वो तुरंत चाय 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 ऐसे करने लगती है, ट्रेन वाली स्टाइल में, बिल्कुल बढ़िया से। चलिए खैर, अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। हाँ बिल्कुल सही शिव जी, तो यहां पर देखिए 232 है, 221 है, 199 है, अगला खाली है, 122 है और 67 है। निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा। 166 श्योर, चलो देख लेते हैं यहां पर, आ जाओ। तो यहां से यहां गए, दो में से एक गया एक, और 23 में से 22 गया एक, माइनस का 11। ठीक, अब यहां आ जाओ, 11 में से दो जाएगा तब 9 आएगा ना, 11 में से 9 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 21 में से 19 जाएगा तो 2, 11 हो गया, 22 हो गया, माइनस का 33 हो गया, माइनस का 44 हो गया, और माइनस का 55, मतलब 11 के मल्टीपल्स यहां पर क्या हो रहे हैं मेरे से रो, सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहां सब्सट्रैक्ट करो तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, और ये रहा 166। ये भी काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो, आप लोग का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर है सभी को, बताओ गॉट इट माई पॉइंट, अच्छे से क्लियर है सबको। चलो आगे तक, नेक्स्ट, अब निकालो बॉडमॉस का नियम, अब निकालो बॉडमॉस का नियम। चलो जल्दी जल्दी निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर बनेगा। जल्दी जल्दी निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा, फटाफट फटाफट निकालिए। चलो निकालो और बताओ इसका क्या आंसर आएगा फटाफट। 214 पक्का, सोच लीजिए, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। चलो 214 आप आंसर कर रहे हैं, देखते हैं यहां पर क्या रिस्पॉन्स है। देखिए लेस देन का मतलब है माइनस, एक्सक्लेमेशन का मतलब है क्रॉस, उसके बाद ग्रेटर का मतलब है प्लस, ग्रेटर का मतलब है प्लस, और डॉलर का मतलब है डिवाइड।
ठीक है। चलो अब यहां पर देखते हैं, बोला है आपसे 205 प्लस 210 बटे 15 गुणे 2 और माइनस 19। तो 15 एकम 15, 15 चौके 60 हो गया, 14 28 हो गया, 205 प्लस 28 और माइनस 19। तो देखो 28 में से 19 जाएगा तो 9, 205 और 9 9 5 14, 214 आ रहा है क्या? बिल्कुल सही जवाब कर रहे हो मेरे सेरो, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, पी एल आई ई आर एस निकाली, इसको कहा है एम एम ए एफ जे ओ, फिर आपसे बोला है डब्ल्यू आर ई एन सी एच, जल्दी से निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा। हाँ आंसू क्या दान दें बेटा, क्या भूल गए बेटा मयंक, चलो जल्दी जल्दी निकालो और बताओ इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो सभी दोस्त जल्दी जल्दी निकाल करके बता दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। हाँ बताइए बताइए, चलो देखो यहां इसको देखिए क्या दिख रहा है। अच्छा आज में हाँ दान पूर्ण किया जाता है ना दान, ठीक है भैया तुम लोग को दान करेंगे, तुम लोग सिलेक्शन लेकर तो आओ, तो बहुत कुछ दान करने के लिए है, ठीक है। यस आप लोग सेलेक्ट होकर आइए, आप लोग को बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आप लोग को बता दूं, जब आप आओगे मेरे पास हम लोग दिन भर एंजॉय करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, समझ रहे हैं। यस बी, चलो देखते हैं। अब अगर हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करें कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि सीधा सीधा 13 से 16, हाँ लेकिन अगर हम यहां पर 13 से 16 लेते हैं दिस वन, अब यहां पर एक चीज और भी देख लो, कॉपी करने वाली बात तो है नहीं यहां पर, अब क्या हो रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। हाँ देखो P से M जाने का मतलब तो कोई बात ही नहीं बनती, हाँ A से B दिस 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 के 11 दो 13 L L O 13 दो R, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर बिल्कुल देखो आप लोग को पता है कल आप लोग का IBACIU, कल नहीं परसों IBACIU का भी क्या है एग्जामिनेशन होने वाला है, समझ गए, तो उसको भी बहुत सोच समझ के करिएगा। बस भैया मुझे सिलेक्शन ही चाहिए आप लोग का, चलो यहाँ आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो आप लोगों ने कहा सर सीधे तो बात नहीं बनेगी, हाँ सीधे यहाँ पर बात नहीं बन रही, अगर आप गौर से भी देखो तो S से अगर हम M जाएं तो 19 से 13, फिर R से M जाओ, फिर E से A जाओ, फिर I से F, फिर L से J और फिर ये, यहाँ देखो P से O का मतलब 16 से 15 माइनस 1, L से J माइनस 2, यहाँ देखो 9 से माइनस 3, यहाँ देखो माइनस 4, यहाँ देखो माइनस 5, यहाँ देखो माइनस 6, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6, तो W में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 23 में से जाएगा 22 यानी B आएगा, ये और ये काट दो B यहाँ है यहाँ। अब ऐसे यहाँ देख लो 8 में से 6 चला जाएगा कितना बच जाएगा बेटा 2 यानी B आ जाएगा, B यहाँ है इस वाले में नहीं है, तो आप लोग का आंसर ऑप्शन नंबर B बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका X, ये हो जाएगा J, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा P, तो J B और P यहाँ, तो ऑप्शन नंबर B आ रहा है, हाँ B को बुला लिया जाए, चलो फाइनल है। अगला क्वेश्चन एक और है, हाँ S P I T इसको बोला गया है यू एस के डब्ल्यू, तो आपसे पूछा गया मॉक, मॉक निकालो और बताओ इसका क्या आएगा जल्दी से।
क्या हो रहा है सेरो, प्लस टू प्लस थ्री ये हो रहा है, देख लो। बिल्कुल, 19 और 2 21, 16 और 3 19, 9 और 2 11 और 20 और 3 23, बिल्कुल परफेक्ट। प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू और प्लस थ्री, 11 और 3 14 बोले तो n आ रहा है, 3 और 2 5 बोले तो e आ रहा है, 15 3 18 और 13 और 2 15, O R E N, O R E N ऑप्शन नंबर D आ रहा है मेरे से। क्या D है? बिल्कुल सही आ रहा है, हाँ किंग रोहित बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलो इसमें से कौन सा वाला डिफरेंट है, ऑड है, कौन सा वाला ऑड है यानी अलग है, जो अलग वाला हो वो वाला पहचानिए और बताइए इसका क्या आंसर बनेगा, जो अलग हो वो पहचानिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी सभी दोस्त निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा पूरा जल्दी से। चलो यहां पर देखो ए डी, देखो हम ऐसा कह सकते हैं ए का अपोजिट जेड है, एम का अपोजिट एन है, एफ का अपोजिट यू है, टी का अपोजिट यू। अभी तक देखो डी का अपोजिट डब्ल्यू है, आर का अपोजिट आई है, पी का अपोजिट के है, लेकिन D का अपोजिट यहां पर W होना चाहिए जो कि नहीं है, इसलिए आप लोग का आंसर ऑप्शन A आ रहा है। क्लियर है सभी को? यानी अल्टरनेट में अपोजिट से हमारी बात बन जाएगी। चल इसको निकालो और बताओ तो, बहुत सही, हाँ जल्दी से निकालिए और बताइए। और रात 10 बजे वाली क्लास जो होती है बेटा, जो रात 10 बजे की जो क्लास होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप लोग की कम से कम ये मान के चलिए, हाँ हाँ क्या बोल रहा था, यस 30 प्लस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं, 30 से ज्यादा क्वेश्चन, जो आपके कांस्टेबल के छात्रों के लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो भैया कांस्टेबल का एग्जाम देने जाएंगे तो उन्हें 50 से ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और अगर यहाँ पर इतने क्वेश्चन हम कर रहे होंगे तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए फिर भैया देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। तो बताइए क्या हो रहा है, ए आंसर आ रहा है इसमें भी, हाँ समृद्धि हैप्पी जाटनी बताओ बेटा, हाँ पंडित जी क्या आएगा ए, चलो मयंक ने कहा है ए लगा दीजिए सर। देखो डिफरेंस कर दो तो शायद आंसर बन जाए आप लोग का, हैप्पी हैप्पी, हाँ मेरा डी आ रहा है, ओके चलो हैप्पी ने, इनका डी आ रहा है एक लोग का, हाँ देखो आप लोग का जो भी आंसर, जब भी सीरीज हो या आपका एनालॉजी हो और आपका इस टाइप के क्वेश्चन हो एनालॉजी के, ये एनालॉजी ही है, क्योंकि आपको ये देखना होता है कि जैसे ये रिलेट करेगा वैसे इसको रिलेट करना है। नो लॉजिक, मुझे तो ऐसे नहीं लग रहा है कोई लॉजिक है आप लोगों का। यस चलो देखो यहां पर बताओ, एनीबडी कोई बताएगा, अगर बेटा अगर ध्यान से देखो यहां, नो आंसर, देखो अगर हम इसको देखें, इधर देखो क्या ऐसा बोल सकते हैं, अगर हम इसका डिफरेंस देखें इन दोनों का, मतलब जो डिफरेंस है, तो ये प्लस आठ बढ़ रहा है, ये भी प्लस आठ बढ़ रहा है, तो प्लस आठ कहीं पर है, तो अगर हम यहां पर देखते तो यहां पर प्लस चार हो रहा है, यहां पर प्लस दस हो गया है, प्लस दस हो गया, यहां पर देखो तो ये तो प्लस पैंतीस हो गया है, यहां पर देखो तो प्लस चार हो गया, और यहां पर देखो तो ग्यारह और सात हो गया, मतलब डिफरेंस वाली बात ऐसे तो हम नहीं बोल सकते। हाँ या अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर देखो चार है, यहां पर देखो कितना है बारह है, यहां पर भी देखो चार है और यहां पर भी देखो बारह है, तो चार और बारह की अगर हम लोग बात करें तो कोई बात बन सकती है क्या,
नहीं, यहाँ पर देखो 10 से ये भी नहीं बन सकता, यहाँ पर देखो ये 3 हो गया, और यहाँ पर मतलब ये वाले डिफरेंस के हिसाब से तो कहीं नहीं बन रहा है। यस बेटा बताओ, एक हिट एंड ट्रायल हम मार सकते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि देखो प्रॉपर लॉजिक कई बार आपके पूरे बनेंगे और कई बार नहीं बनेंगे। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर डिफरेंसेस के हिसाब से चलें तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आपका आ रहा है 4 का, इन दोनों का भी डिफरेंस कितने का आ रहा है 4 का, तो किसी में 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 5 का, यहाँ पर आ रहा है 5 का, यहाँ पर आ रहा है 3 का, और यहाँ पर आ रहा है 4 का। तो क्या हम इस हिसाब से भी कह सकते हैं डी वाला, बताओ? हाँ बताइए, क्या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारा आंसर ये बन सकता है? और कोई चांस ऐसे 19 या 17, ये सारे के सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनसे सीधे आंसर बनाना मुश्किल हो जाएगा। ये तो अजीब सा लॉजिक हो गया बेटा। अब जैसे अकी ने बोला कि सर 8+4 कर दो, अब 8+4 कितना हो गया बेटा, 12 हो गया, 8+4 कितना हो गया, 12 हो गया, फिर 3+4 कितना हो गया, 3+4 कितना हो गया, 7 हो गया, 3+4 कितना हो गया, एंड 7+4 बराबर कितना हो जाएगा, 11। बात तो वही हो रही है ना, 4+4 का ही तो डिफरेंस वाली बात हो गई। हाँ देखो ये बात तो क्लियर है कि हमें दूसरा वाला डिफरेंस जो 12-12 का था वो नहीं मिला है, जो दूसरा डिफरेंस था वो नहीं मिला, लेकिन पहले वाले से हम लोग कर सकते हैं ना, ठीक है। हाँ तो इस पे हम हिट एंड ट्रायल मार सकते हैं कि हमारा आंसर डी की तरफ जा सकता है बिकॉज ऑफ टू डिफरेंसेस, बिकॉज ऑफ टू डिफरेंसेस, ठीक है। बाकी प्रॉपर लॉजिक कमेंट करते रहिएगा, आगे चलते हैं। चलो अगला देखो, यहाँ पर बताइए, बताइए चलो अगला क्वेश्चन। हाँ ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते रहते हैं। देखो सीधी सी बात है, और कोई भी हिट एंड ट्रायल जैसे क्या होता है ना कि कोई भी क्वेश्चन आया पेपर में तो अब आपके दिमाग में कई तरीके के लॉजिक्स आते हैं। एक तो होता है कि कंप्लीट लॉजिक आया जो पूरे क्वेश्चन को बनाएगा, एक होता है हिट एंड ट्रायल, माना हमने ये अच्छा इससे बन रहा है ठीक है आगे बढ़ो, तो आपके पास हर तरीके का कॉन्सेप्ट वहां पर होना चाहिए जिससे आप लोग का रिस्पॉन्स बने, समझ गए? यस चलो देखो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं बी, कुछ लोग कह रहे हैं डी, कैसे? अरे बी और डी वालों आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ क्या लॉजिक लगाओगे ए। अब देखो 8 से आपको क्या बनाना है, 8 से आपको बनाना है 320। अगर हम इसको देखें ये इससे भाग हो जाएगा, अगर हम ऐसे इसको देखें 5 से 100 ये भी इससे भाग हो जाएगा, हो जाएगा, 11 से 968 ये भी इससे भाग हो जाएगा, हो जाएगा, 6 से 108 ये भी इससे भाग हो जाएगा, यस हो जाएगा। अब यहाँ पर देख, अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो ये इससे भाग हो रहा है, ये इससे 11 से, देखो 11 8 88 हो जाएगा यहाँ पर 88, और फिर 8 बच जाएगा ये भी हो जाएगा, और ये देखो कैसे ये सारे अगर हम ऐसे देखें तो सब भाग हो रहा है एक दूसरे से, सारे के सारे भाग हो रहे हैं, लेकिन अब क्या लॉजिक बन सकता है? अब देखो अगर हम इसको देखें 8, 28, 64, 16, 4, 5, 20, एक बार देखते हैं, अगर मैं 8 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दूं, 8 का स्क्वायर 6, 5, 30, तो इंटू 5 कर, देखो 64 × 5 कर, तो 5 × 20 का 0, फिर 2 हासिल लग गया, 6, 5, 30 और 2, 32, एक बन तो रहा है। अब देखो क्या बाकी भी बन रहा है या नहीं, यहाँ देखो 5 का स्क्वायर और गुणे 4 करना पड़ेगा, 25 × 100 होता है, यहाँ 4 से गुणा करना पड़ा, यहाँ 5 से था यहाँ 4 से हो गया। चलो आगे देखते हैं, यहाँ देखो 6 का स्क्वायर और गुणे कितना करना पड़ेगा, 36 हो गया, तो यहाँ पर तो इंटू 3 करना पड़ेगा, हाँ 36 × 3 कर दोगे तो 108 आ जाएगा, लेकिन यहाँ देखो यहाँ 11 का स्क्वायर गुणा करोगे 121 में, तो ये लगभग जो है 8 बार जाएगा, तो 121 × 8 कर दो, तो देखो 8 × 1 = 8, 16 × 6 = 8, ये देखो 9,
अब लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ 4 का, यहाँ 8 का और यहाँ 3 का, सब में डिफरेंट डिफरेंट हो गया यहाँ पर मल्टीप्लाई। देखो ये स्क्वायर का लॉजिक सब में गया। अब लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर सिंपली बात करने की कोशिश करें, अगर हम इवन भी सोचें, तो देखो ये भी हमारा इवन है, ये भी हमारा इवन है। अब बताओ, यस, तो प्राइम नंबर के हिसाब से आप बी बोल सकते हो, अगर आप चाहो तो प्राइम नंबर्स में इस हिसाब से आप बोल सकते हो कि बी प्राइम। क्या बोला? हाँ, प्राइम मैंने ये बोला, देखो 8, 5 और 6 ये जो हमारे नंबर्स हैं, इसके अलावा 11 जो एक नंबर है वो प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर का स्क्वायर करके, ये प्राइम नंबर का स्क्वायर करके हमने 8 का जब मल्टीप्लाई किया है, तब जाके हमारा ये 968 वाला रिस्पॉन्स बना है। तो हम ये प्राइम नंबर के बिहाफ पे चलें, कहां पर, हाँ 5 ऑड नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, सही बात है, और दोनों में प्राइम में इवन का ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक ये भी, हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ अब देखो, बताओ ये क्वेश्चन, देखो आपको कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट को, आपके लॉजिक को वो कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमने अगर ये सारे सॉल्व किए, तो यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, वो क्या, ना तो हम इवन पे जा पाए, देखो यहां पर ना तो हम इवन पे जा पाए, ना हम प्रॉपर ऑड पे जा पाए। यहां पर 5 का मल्टीप्लाई किया, यहां 4 का किया, यहां 8 का किया और यहां पर 3 का किया। हमारे को यहाँ पर अगर अगर यहाँ पर 5 की जगह कुछ और होता तो शायद हमारी बात बन जाती, लेकिन अब ये तो नहीं आया। डन है, डन है, डन है। डन है। एक चीज हम बोल सकते हैं ऐसे भी, देखो, बट ये भी एक कहते ना अनसर्टेन सी बात होगी यहाँ पर। अगर हम ऐसा बोले, बेटा देखो इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया, 4 का, इसमें देखो इसमें 4 का गुणा है, इसमें कितने गुणा है, 8, 5 का, इसमें कितने गुणा है, 3 का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे 3 लगातार नंबर होते हैं, जिसे हम लोग 3 क्रमागत संख्याएं बोल सकते हैं या 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स बोल सकते हैं, लेकिन इस वाले में जो मल्टीप्लाई हुआ है वो अगर मान लो 6 का हो जाता तो हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती थी, लेकिन यहाँ 6 का नहीं है, इस हिसाब से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि आप लोग का बी आंसर लगा दीजिए, आपका आंसर बी लगा दीजिए। डन है, क्योंकि ये सारे डिविजिबल हैं, इस बात से ये क्लियर होता है कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बनेगा या जो लॉजिक, या तो किसी पर्टिकुलर नंबर से ये एग्जैक्ट नंबर आ जाए, स्क्वायर ना करना पड़े, स्क्वायर ना करना पड़े, सीधे जो है मल्टीप्लाई करने से आ जाए। अगर हमारा ये 121 को 6 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर नहीं आता, बात खत्म। इस वजह से भी चुपचाप आप बी लगा दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगा। ओके, तो आज के ये 2 क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन में काउंट किए जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन, बाकी आप लोग देखिए, अगर आपको कोई और ऐसा लगता है कि नहीं सर प्रॉपर कुछ और लॉजिक लग सकता है, तो आप प्रॉपर लॉजिक जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा ऑफलाइन। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। हाँ ठीक है, चलो अगला। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन है बेटा, इसमें देखिएगा इसमें कौन कौन से साइन को चेंज करें। तो 207 4 से भाग नहीं होगा, इसका मतलब हमें डिवाइड पे स्टेप लेना पड़े, और डिवाइड दो जगह है, या तो डिवाइड आप माइनस से बदलो, हाँ, और या तो आप डिवाइड किससे बदल दो, प्लस। तो 14/207 भी हल नहीं होगा, हम माइनस वाले को ट्राई करते हैं, ए वाले। तो 312/13 गुणे 14 प्लस 207 और माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा ना, यहाँ डिवाइड गया तो यहाँ पर माइनस 4, तो 13 से काटे 13 दुना 26 हो जाएगा, हाँ, और 13 चौके 52 हो जाएगा। तो अब ये देखो 24 × 14, हाँ 14 × 56 का 6, 5 हासिल लग गया, 14 × 28 और 5 33, 336 प्लस
207 माइनस 4 ये रहा, तो इसमें से घटा देंगे 203 हो जाएगा, तो 336 प्लस 203 जोड़ दो, 639 और 3 और 3 और 2 5, 539 बिल्कुल परफेक्ट जवाब आ रहा है, आपका आंसर ए आ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी। बताइए जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या। बताइए जल्दी जल्दी बताइए तो इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। यस, यहां पर ए ए पी पी, ए ए पी पी, फिर पी पी, ई आर ए आर ए, तो ए बी सी डी पहले ए आता है, ए और ए, यहां पर आर और आर, फिर यहां ई और यहां आई, मतलब पहले पांच और फिर चार, पांच चार इसमें है और किसी में नहीं है, तो आप लोग का आंसर सी आ रहा है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। राम 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 बेटा, चलो। हाँ अंकित, बड़े दिन बाद आए, चल रही है लगता है यूपीएसआई की और यूपी कांस्टेबल की तैयारी चल रही लग रहा है। चलो यहां पर आ जाइए, यहां पर देखिए, निकालिए और बताइए इसमें ये किस में बनेगा। ये देखो डी वाले में, डी, और किसी में ये कंप्लीट नहीं बन रहा है, तो आप लोग का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन निकाल दो जल्दी से। यस, दो क्वेश्चन और हैं, फटाफट निकालिए और बताइए। तो नहीं बेटा, कोई बफरिंग नहीं हो रही, सब कुछ बिल्कुल ओके है। जल्दी से निकालिए। और देखो एक सिंपल सी बात बताऊं बेटा, देखो रीसेंट बिल्कुल करंट पेपर कराने में यही सारी चीजें हैं। देखो बट ऑब्वियस है, आपको इतने लेटेस्ट पेपर अगर कर रहे हो तो उसके लेवल का एक्चुअल अंदाजा लग रहा है कि आपको कहां पर कैसे तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 का मतलब क्या होता है, या तो चार चार के पांच पेयर बना दो या पांच पांच के चार पेयर बना दो। पांच पांच के चार बनाए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां जाओ, M के बाद O, M O M O N K S, 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 ये रहा O N M K, O N M K, ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी देख लो। ओ एन एम के, चलो वैकेंट भी खाली होता है और इम्पटी भी खाली होता है, तो विशाल जो होता है, एनोनिमस भी विशाल होता है, तो पर्याप्त प्रचुर विशाल, ह्यूज भी विशाल ही होता है, तो दोनों का मतलब सेम सिमिलर मीनिंग वाले शब्द है। दिस इज योर एच डब्ल्यू क्वेश्चन आज का। आप सब लोग इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा। ठीक है सभी लोग, देखो बेटा आप लोगों को मैं बता दूं कि आज से अगर आप लोग बेटा एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2024 को टारगेट कर रहे हो बेटा, तो आप लोग को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में महापैक पर आ गई है डबल वैलिडिटी, महापैक पर आ गई है डबल वैलिडिटी। और देखो सीजीएल और सीएचएसएल अलग अलग से महापैक लेने से अच्छा है, इसके अंदर देखो आपके, इसके अंदर आप लोग के जो है, यस, जैसे जीडी का महापैक, सीजीएल का महापैक, सीएचएसएल का महापैक, इसके अंदर सब अवेलेबल है। आपको आज रात 12 बजे तक डबल वैलिडिटी का बेनिफिट मिल जाएगा इस पर, जी डबल वैलिडिटी का बेनिफिट मिल जाएगा। बस आपको Y461 इस कूपन कोड को लगाना है,
तो ये आप लोग को 2750 रुपये में अगले 2 साल के लिए, चाहे आप सीजल की तैयारी करो, चाहे CHSL, चाहे CPU, चाहे MTS, चाहे GD, चाहे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, कुछ भी करो, इसका Tier 1 भी और प्लस Tier 2 भी, सबके आपको पूरी एग्जाम की तैयारी, 2000 घंटे की लाइव क्लासेस, 6470 टेस्ट सीरीज, 1998 ई बुक्स और 9000 से ज्यादा रिकॉर्डिंग वीडियोस, ये सब कुछ आप लोग को मिलेगा। बस आपको यही कूपन कोड इस्तेमाल करना है आज रात 12 बजे से पहले, रात 12 बजे से पहले, समझ गए? तो इसका बेनिफिट आप उठा लीजिए। अगर आप केवल सीजीएल की तैयारी करना चाहते हो, आप चाहते हो नहीं सर हमें केवल सीजीएल का बैच चाहिए, सीजीएल का महापैक चाहिए, देखो ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ये है सीजीएल का महापैक। अगर आप सीजीएल के महापैक से जुड़ना चाहते हो तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, यहाँ पर Y461 इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप करेंगे तो ये आप लोग को 2650 रुपये में अगले 2 साल के लिए मिल जाएगा। अगर आप सीजीएल की तैयारी भी कर लेते हो ना बेटा, तो आपकी CHSL, MTS इन सारे एग्जाम्स की तैयारी तो अपने आप हो जाएगी, ठीक है। और आज से स्टार्ट हुआ है बेटा DSSSB वाला बैच, ये DSSSB का बैच आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्यों? क्योंकि ये 12th पास के लिए वैकेंसी है आपकी, ये बैच आज से शुरू हुआ है, अभी 2 बजे से इसमें क्लास स्टार्ट होगी, 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लगातार क्लासेस है, आप जाइए इससे जुड़ जाइए, मात्र 1750 रुपये में आप लोग को यह बैच मिल जाए। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।